तो एक और सवाल था, वे लोग ये और कह रहे हैं कि सारे आप पीसा के लिए कर रही है। पांच झाड़े हो चुके हैं मेरे, और मेरी यहाँ खोए पे नस ब्लॉकिंग थी, जिसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर लांबा ने खानपुर पीजीआई से, और उन्होंने 10-15 दिन की दवाई दी थी। फिर उसके बाद मैंने बीच में दो तीन झाड़े लगवा लिए, तो मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। और राम राम जी सारा ने, तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ईरानी ब्लॉग में। तो एक बार फिर हम आए हैं पुरखा से, जहाँ पे एक वीडियो गेरी थी मैंने आप तो बताया था कि याड़ा झाड़ा लग गया है हर एक बीमारी का, मतलब किसी का कोई भी बीमारी है तो याड़ा लग गया है झाड़ा। तो हम एक बार फिर आए हैं, और आज हम उस झाड़े वाली तो पूछेंगे कि सच में झाड़ा लग गया था राम हुआ कि नहीं हुआ है। और कुछ लोगों का कहना यो भी था कि भाई ये अफवाह है, और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि ये सब पैसे के लिए करा जा रहा है। तो कुछ बातें हैं जिन उड़े जा का हमने पता लगा उन बातों का, तो हम पहुंचन हो रहे हैं जित झाड़ा लगवाना हमने गांव में, तो हमने एंट्री कर ली है, पर उस जगह पर जान वाले हैं जित झाड़ा लग गया, और उड़े जाकर देखेंगे भाई के सच में अफवाह है या आराम हुआ है। तो चलो मेरी गिल्ला गिल्ला। तो ये देखो ये इतनी सारी भीड़ है, बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, और वो देखो उधर लोगा की इतनी भीड़ है, ये सब झाड़ा लगवाना आ रहे हैं। तो हम भी चलते हैं, पूरे ना स्कूटर भी खड़े हैं, गाड़ी भी है। चलो तो देख लो कितनी भीड़ है, रोड़े झाड़ा लग रहा है। तो देखो इतनी सारी भीड़ है, और ये तो अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं, और सुबह लग जाए 6 बजे लोग आने। ये शांति खड़े हो जाओ सब, और ध्यान से बात सुनो। पनवासी ने बाबा के मंदिर की नीम टेकेगी, उसमें जिसने भी 10-5 रुपये जो दे रखे हैं वे उस मंदिर की नीम में लगेंगे। जिसने जो दे रखे उनका चौकस धरा है कि तेरे क्या मनी लाया, किसी के 10 है, किसी के 5 है, किसी के 20 है, का देखे 50 भी होंगे। तो मंदिर की नीम टेकेगी मंगलवार ना पनवासी तक पहले दिन, मंगलवार का झाड़ा भी होगा आप लोग ने पता भी है। तो नीम टेकवान खातर सबके हाथ लगने चाहिए, सबका पूरा काम होगा, हाथ में कोई समट्ठा होगा, कोई रेत, कोई मिट्टी, कोई ईंट लावेगा, जो जितना काम करेगा उसका उतना ये फायदा होगा। चाहे एक बात तेन कर दियो उसका फायदा बुलट बाबा मरे तो जरूर देंगे, और सब ने इसका सहयोग भी करना है। मंदिर को एक ऐसी चीज नहीं है अके एक आदमी बना दे, ना एक आदमी ना बनाना चाहिए, अब बनाना चाहिए। आप बता दो आप बड़े बड़े भी हो, ये मंदिर एक ऐसी चीज जो है अके इसमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके न किसी की गार, किसी की मिट्टी, किसी का पानी हो, जब मंदिर तैयार हो अगर उसमें पूजन भी जब वह होगा, जब दशा का सहयोग होगा, अकेला अपना घर बना के तो जाए अपना घर, बाबा निराश किसी में नहीं करेंगे, सबके पूरे काम करेंगे। करे भी है बहुत सारे भाई हाथ खड़े कर रहे थे, उनके पूरे काम होंगे, शरीर में आराम होया होगा, जय तो हाथ खड़े कर रहे होंगे। भाई रुपया किस किस पर ले रखे हमने एक बनी और बता दो। भाई ये वीडियो बना लाग रही है, भाई वीडियो बनाने वाले भी नो सोच दे होंगे, भाई रुपये ले ले काम कर दे होंगे। आजकल जमाना क्या का है, पैसे का दुनिया, पैसे की ना कोई माँ बाप किसी का, ना कोई बालक, दो बालक है, एक तो पीछे दे दिए, एक तो नहीं दिए, तो पानी भी नहीं देगा, रोटी तो दूर की बात गई, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, नुकेगा मेरे तो कुछ दिया है कोने, एक ले तो इस दे दिया सब कुछ, ईसा किसी का माँ बाप को ना रे दो बात करेगा, अपने माता पिता की, जननी माता की, बुलट बाबा की, ओम बना बाबा की, ओ
राम राम भाई सारन है। तो आज हम पुरखास आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी गेरी थी जिसमें हम झाड़ा लुआन आए थे और या वह बेबे है जो झाड़ा लाया करे, और उसमें कई लगा ने नू भी कमेंट करे थे कि भाई मारा बहुत आराम होया है। वीडियो भी आपने देखी होगी मेरी, मैंने शेयर करी थी जिसका पथरी की बीमारी थी, उड़े एक लेडी थी उन्हें भी बताया है, और भी बहुत सारी बीमारी थी। और कुछ लोगों के कमेंट ये भी आए हैं कि भाई ये सब पैसे के लिए हो रहा है। और आज मैं इनते ये भी पूछना चाहूंगी कि बेबे पहले तो नू बताते ना, ये झाड़ा लाया मतलब झाड़ा लाना शुरू करा की सुस्ता करा, मतलब जिस तरह ना राजस्थान में जावे थे गांव तय गुआंड तय दूर दूर तक के राजस्थान में झाड़ा लगवाने जावे थे, तो झाड़ा तो जिस तरह में पहले गांव में लाऊं हां, तो मैंने बेरा लगाओ, तो मैंने भी बेरा भाई इस बात का, तो के भाई बहुत टाइम तबे बे झाड़ा लगा सांप लड़ रहा हो कान खजूरा बिच्छू बरड़ ततये ये लड़ रहे हो का खड़बाई हो बे दो कराते निकड़ रही हो किसी का मकड़ी मसली जा रही हो कोई गांठ हो शरीर में इनके झाड़े में 25-26 साल पहले तो लगा। अरे मेरे पूरे गांव न पता है वो पूछना ही है मेरा, तो फिर भी जो इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा था मैंने देखा था, हम तो बहुत लेट आए हैं, इब्बी भी बहुत आदमी आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, और पहली बार हम आए जब भी बहुत भीड़ थी, तो ये इतनी भीड़ है यार ये झाड़ा लगाने का, तो यो मतलब सोचा तने क्या ये दिमाग में कि भाई मैं यार झाड़ा लगाऊं, ये चीजें मैंने ये नहीं सोचा कि मैं झाड़ा लगाऊं, मैं ये सोच रही थी भाई जो राजस्थान में झाड़ा लगाओ है मैं उसने बुलवाऊं और भाई मैं अपने तरफ तक खर्च करूं उसके आने जाने का उसका रहने का बंदोबस्त भाई अपने खर्चे तक रखे उसने और आस पास के लोग वो झाड़ा लावा और उन्हें आराम मिले ताकि तो लोग मैं इतनी दूर नहीं जाना हाँ, दूर नहीं जाना पड़े, मैं दूसरे की सेवा करके खुश रहा करूं। हाँ, हाँ। और तो सारा काम कर इस चीज में, तो के जो करे किसी गरीब की छोरी है उसके ब्याह में सहयोग करना, जो भाई बुजुर्ग है उनके लिए चौपाल बनाना, वहाँ चाय नाश्ते का इंतजाम करना, तो बेबे की इस गाँव में काफी सराहना करते हैं लोग, बहुत काम करे हैं बेबे ने इस गाँव में। तो मैं इस मौके पर सरपंच भी हूँ, सरपंच रह कर मैंने कोई ये नहीं सोचा भी मैं सरपंच हूँ भाई बड़ी फैसिलिटी में आ गई बड़ी बड़ी बात कर लग गई, नहीं मैंने अपने आप को छोटा माना कभी बड़ा नहीं समझा और बड़ों का मान सम्मान किया है। और जब मैं ये सोच रही थी मैं उनको बुलाऊं, मेरे को 12-13 दिन हो गए थे ये सोचते सोचते, मेरे को उनका नंबर नहीं मिल रहा था कहीं से भी, अब कितनी तो नंबर मिल जावे मैंने, और फिर मैं उन्हें बुला लूं, काफी लोगों से पूछा मैंने जो झाड़ा लगवान जाते उनका नंबर ले दो फिर मैं उन्होंने यही बुला लूंगी। तो ये सोचते सोचते एक दिन मैं ऐसे बैठी थी चिंता ही मैं कहाँ से नंबर लू कैसे बुलाऊंगी कैसे क्या करूँ, तो एकदम बाहर से लड़का आया उसकी उम्र इसी 24-25 साल की उम्र थी, सुंदर कपड़े पहने हुआ था और उनके सिर पर जैसे मुकुट हो है ना ऐसा था उनके सिर पर, पोशाक बहुत अच्छी थी उनकी, उम्र भाई साहब राम राम, हाँ जी राम राम, बोले भाई साहब बैठो, वो बैठ गए कुर्सी पर बैठ गए, ये घर की बात है, कुर्सी पर बैठ कर मैं उनके लिए पानी लेने गई और बात करते रहे, मैंने वो पूरे सही दिखाई दे रहे थे उनकी शक्ल सूरत सब, और बात करते करते एकदम कुर्सी पर तक गायब हो गए, बात बात करते रहे पर दिखने बंद हो गए, मैं पानी का गिलास ले खड़ी रही एकदम मेरा भी दिल घबराया भैया एकदम कौन था एकदम अचानक तक गायब हो गया, गायब दिखना बंद हो गया, बोले तो गया अच्छा दिखने बंद हो गए, हाँ दिखना बंद हो गया, तो बोला आप है ना जी घबराओ ना, उन्हें अपना नाम बताया, उस तो पहले नाम नहीं बताया बस वो आके बैठ के राजी खुशी ये बात कर रहे थे, तो उसने मेरे तो कहे आप घबराओ मत ना मैं ओम बना हूँ, ओम बनना दिखाई दे हाँ, मतलब ओम बना दिखाई दे मैं ओम बना हूँ और मैं आपकी इच्छा थी मेरे को बुलाने की इसलिए मैं आया, आप मेरे को बार बार याद कर रहे थे, मैं आपका पूरा साथ दूंगा आप मेरे नाम तक झाड़ा लगाओ, मैं बोली भाई ये मत आ जोड़ी का मेरे बस का नहीं, लोग नू कहेंगे सरपंची छोड़ के देखे ड्रामा कर लग गई है, मैं यो काम मेरे तक नहीं हो, उन्होंने मेरे तक कहा
और भाई आप न जब गली भी साफ करो हो खुद नालियां ने भी खुद निकाल लो हो जब आपने शर्म ना दी यो अच्छा काम है और वो भी जो आप गली में सफाई करो वो भी अच्छा काम है और यो भी अच्छा काम है। आप गारंटी लेकर झाड़ा लगाओ 100% की गारंटी ले लियो किसी का भी कोई दिक्कत हो तो मेरी वजह से आप झाड़ा लगाओ सब ठीक होंगे जितने भी आएंगे चाहे किसी का कोई बीमारी है कोई भूत प्रेत का कुछ भी है और घर में भी बरकत होगी खूब। तो भाई बेबे का वासरव है उनका वे 7:15 आले हैं और 12:15 तक उनका वासरव है 12:15 जब तक उस टाइम में जिसका भी झाड़ा लग गया है उनके घर में पूरी बरकत हो है उनके शरीर में आराम हो है। 7-8 हजार आदमी जो शुगर तय ठीक हो गए सर्वाइकल तय ठीक हो गए थायराइड तय ठीक हो गए कैंसर तय ठीक हो गए इतने बहुत सारे आदमी जो किसी का किसी डाल की बीमारी दी वो ठीक हो। हाँ वो तो मैंने सुने अपने मुंह तक आ रहे थे। अच्छा ये हफ्ते में किस दिन लग गया नूर बता रहे ये मंगलवार और शनिवार ने झाड़ा लगाया जा है मंगलवार सुबह 7:15 और 11:30 तक। अच्छा तो भाई बता दी है बेबे ने रीजन यो था कि बेबे ने सपने में ओम बन्ना दिखाई दिए थे उन्हें दर्शन दिए थे और बेबे तक आया था भाई लोगों का झाड़ा लगा और जिनकी जो भी परेशानी है मैं दूर होंगी। और सच में आपने भीड़ देखी है कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और सबका यो ही कहना था कि भी हमारा आराम है। तो एक और सवाल था बेबे लोग ये और कह रहे हैं कि सारे आप पीसा के लिए कर रही है आपके सामने मना बोला था भाई किस पर कितने पीसे लिए हाँ वो सब ना मना कर दिया। यहाँ चढ़ता है प्रसाद नारियल और गोला और पेठे का प्रसाद अगरबत्ती यहाँ लगाई जा धागा नाला यहाँ बंद है जहाँ अपनी मनोकामना के लिए इस बड़ का धागा बंद है मनोकामना का और उनकी मनोकामना पूरी होने लग रही हुई भी है बहुत सारे जिन्हें बांध दिया मेरी पथरी निकलनी चाहिए उनकी पथरी निकल गई किसी का रसोड़ी थी रसोड़ी खत्म होगी थायराइड खत्म होगी ये सारे तागा बांधे तो खत्म हो गया यो बांध रखे इसका यो बंद है मेरे ख्याल से यो वाला बांध रखा है इसका उसके जिसका बच्चे नहीं होते यो बच्चा का उनका बंद है। अच्छा जो नीम का बंद है नीम का भी धागा बोला था उन्हें बंधवाई वो जिसका वो पराया है वो नीम का बंद है जिसका और सारे डाल की कोई भी बात आ रही बीमारी का उसका बड़का बंद है। तो भाई यो रीजन था बाकी बात यह है कि बोलने वाले तो कुछ ना कुछ बोल रहे करें कोई भी कुछ भी बोलो ना करना ना डरना ना मेरे कोई फर्क पड़ता किसी का शोभा जी कराओ ना मैं किसी ने बुलाऊंगी किसी का जी कराओ जी करा मत आओ। और मेरा कहना यही है भाई बोलने से पहले कमेंट करने से पहले आओ देखो उसके बाद करो अगर थारा आराम नहीं हो रहा तो कमेंट करके कहो के भी मारा आराम नहीं आया लग गया इस चीज का और यार कोई पैसे नहीं लेती मैं तो खुद आ रही हूँ और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी है हमने। तो एक बार और गांव का नाम बता देती हूँ सोनीपत जिले में पुरखास गांव है और यह गांव की सरपंच है बेबे शकुंतला राठी। तो गांव में किसी पे भी आकर पूछ लियो कि शकुंतला राठी के घर जाना है जितवा झाड़ा लगाओ तो अपने आप आ जाओगे वैसे पब्लिक बहुत आओ आपने पता लग जाएगा। गाँव में आने तो मेरे नाम तक कोई नहीं जानेगा शेरणी के नाम तक जाने जा है बच्चा जाना है जिस तेनों का देवे शेरनी के घर जाना है दौर पहुँचावेंगे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं और जो ये अपनी इच्छा तक कोई 10 चढ़ा दे कोई 5 कोई 20 ये सब इकट्ठे कर रखे हैं मंदिर बनेगा वो मंदिर में लग गई है इसमें 3-4 भंडारे भी कर दिए। हाँ भंडारे हम आए थे पिछले मार भंडारा भी करा बेबे भाई अगर तुमनू कह रहे हो अगर किसी ने 5-10 रुपए अपनी सरदाता चढ़ाए हैं तो कई हजार लोगों का भंडारा करना खाना बनाना सारी व्यवस्था करना उसमें भी तो देखो पैसे लगे पर मेरा कहना यो है पहले आओ देखो और उसके बाद फिर कमेंट करियो आप मचे कोई गांव है चाहे शहर है कोई भी कहीं बेचे कोई कितना है अच्छा है उसके भी 2-4 तो दुश्मन हो है जब मैं इलेक्शन लड़ू हूँ तो जो मेरे बराबर में खड़े हो मेरी तारीफ थोड़ा ही सरपंच के तो सरपंच के तो एक दो और अभी भी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ रही हूँ तैयार हूँ सरपंच के लिए और अच्छे काम करने वाले के तो हमेशा दुश्मन पा रहे या तो पुरानी रीत चली ना कभी डरी जब ना तो नाम से रणी पड़ रहा है ना डरती अच्छी बात ना मेरे कोई फर्क पड़ता चाहे कोई कुछ भी बोल ले जाए। मैं राजू प्रकाश से ठीक है यहाँ भगतनी के पास झाड़ा लगवाने आता हूँ 5 झाड़े हो चुके हैं मेरे और मेरी यहाँ खोए पे नस ब्लॉकिंग थी जिसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर लॉम्बा ने खानपुर PGI से और फिर उन्होंने 10-15 दिन की दवाई दी थी फिर उसके बाद मैंने बीच में 2-3 झाड़े लगवा लिए
तो मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया और 5 जाडा में मेरा ऑपरेशन आपके तीन एकदम टका टका कोई भी परेशानी नहीं। ये बता कितने दिन मरता है? आप तक ये देंगे आप मरते दोगे गाँव में कमेंट करने वाले कह रहे हैं ना की भैया पैसे के लिए कर रहे तो मेरे सामने कोई कुछ बोल लगा तो दोए बना छोड़ू नहीं अरे पीछे तो कोई कुछ कह जा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई बेबे तो मिलवा दियो आज के इस व्लॉग में और व्लॉग ने सारे शेयर कर दियो और कमेंट भी कर दियो। तो बेबे तो मिल ली हूँ मैं और इबाम जा रहे हैं जी फिर थर तक अगले व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए सबने राम राम बाय बाय और बहुत सारा धन्यवाद वीडियो मेरी तरफ से भी सभी को राम राम और आप भी सब कुशल मंगल रहे ठीक रहे धन्यवाद।